सीतापुर जिले के जिन 11 नगर निकायों में अध्यक्ष और सभासद पद पर चुनाव लड़ेंगे उनकी नामांकन प्रक्रिया संबंधित तहसीलों में होगी। कहने का तात्पर्य जिन तहसीलों में जो निकाय आती होंगी उनका नामांकन होगा। नामांकन प्रक्रिया अपराह्न 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चलेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के तहसील चिन्हित की गई जिसके तहत जिले के 11 नगर निकायों में सीतापुर हरगांव खैराबाद निकाय की नामांकन प्रक्रिया तहसील सीतापुर में होगी। इसी तरह से महमूदाबाद तहसील में नगर पालिका महमूदाबाद नगर पंचायत पैतेपुर की नामांकन प्रक्रिया होगी। लहरपुर तहसील में नगर पंचायत तंबौर नगर पालिका लहरपुर की नामांकन प्रक्रिया होगी। वहीं बिस्वा तहसील में बिस्वा सिधौली तहसील में नगर पंचायत सिधौली महोली तहसील में नगर पंचायत महोली मिश्रिक तहसील में नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण्य की नामांकन प्रक्रिया होगी। चुनाव आयोग ने महंगाई को देखते हुए खर्च सीमा में बढ़ोतरी कर दी। बीते नगर पालिका चुनाव में इस बार चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने वालों को 3 लाख अधिक खर्च करने का मौका मिलेगा। जिले में 11 नगर निकाय हैं जिसमें 6 नगर पालिका जबकि 5 नगर पंचायतें। नगर निकाय के चुनावों हेतु समय सारणी को निर्दिष्ट करते हुए उसका आयोजन करने हेतु निर्देश प्रख्यापित किया गया है और चुनाव को 2 चरणों में करने के निर्देश मिले हैं, जिसमें सीतापुर को प्रथम चरण में रखा गया है। जो समय सारणी सीतापुर जनपद के लिए निर्धारित है वो मैं आपको एक एक करके उसकी तिथियों को बता दूँ। इसमें सार्वजनिक सूचना हमने ऑलरेडी निर्गत कर दिया है, उसके निर्गत करने का जिलाधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पे आज का दिनांक उसमें नियत था, 10 अप्रैल 2023 का दिनांक नियत था। इसके साथ ही साथ कल हमारे समस्त जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित जो सार्वजनिक सूचना है वो कल 11 तारीख को निर्गत कर दिया जाएगा और इसके साथ ही जो नाम निर्देशन पत्र हैं उसके क्रय करने और जमा करने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। ये प्रक्रिया 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलेगी और नाम निर्देशन पत्रों को लिए जाने का जो समय है वो पूर्वाहन 11 बजे से लेके अपराहन 3 बजे तक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इस बीच में अगर कोई सार्वजनिक अवकाश भी पड़ता है तो उस दिन भी यह कार्य किया जाएगा, उस दिन भी दफ्तर खुले रहेंगे और जो नाम निर्देशन इत्यादि अन्य आगे जितनी भी जो प्रक्रियाएं होंगी वो सार्वजनिक अवकाश के दिवस पे भी चलेगा।